इस मेरे धरो के सिट में करो सहाय। आदरणीय श्रोतागण, राधे कैसेट के माध्यम से देखते हैं प्रेम की बीमारी एक नई कहानी की तरफ। वैसे प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करने के बाद में उसको अच्छी तरह से निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कैसे नहीं है, गौर करते हैं इस प्रेम की बीमारी में। वफादार लड़की और बेवफा लड़का किस तरीका से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया नंदिनी ने शिवम के ऊपर, लेकिन शिवम ने नंदिनी को किस तरह से धोखा दिया। आइए एक प्यार भरी दास्तान की ओर। जब यार दगादार हो तो प्यार क्या करे, कहते हैं प्यार बुरा होता है, अगर वफादार यार मिल जाए तो प्यार प्यार ही हुआ करता है। जब यार दगादार हो तो प्यार क्या करे, एक गांव का है जिक्र उसकी बात कही रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रखे। किसी गांव का जिक्र है, किस गांव का जिक्र है क्षमा करें ये तो नहीं बता पाएंगे। एक गांव का है जिक्र उसकी बात कही रखे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रखे। भाई बहन थे, नंदिनी सबसे छोटी थी, देखने में बहुत सुंदर थी, परमात्मा ने क्या रूप दिया था। और उसी गांव में बगल में, उसके बगल में दूसरी गली भी और थी, पीपल के पास से गली में एक मोड़ थी, उस मोड़ पर ही रहता वहां एक लड़का था, जो नंदिनी की गैल आता जाता रहता था। मकान के सामने एक मंदिर था, उस मंदिर पर बैठक हुआ करती थी। तो शिवम नाम का लड़का जो पास में ही रहता था वो आया जाया करता था, नंदिनी के घर वालों के काम में हाथ बटा दिया करता था। क्यों? क्योंकि वो नंदिनी को मन ही मन प्यार करने लगा था। और ये प्यार गूंजती थी बुद्धि में लड़की की बात की।
सीमा को पार कर गया। अब आगे क्या हुआ जरा गौर से सुनिएगा, आगे क्या हो रहा। देख करके उस लड़की को लड़का था जी रहा, तबीयत नहीं थी काम में सब कुछ भुलाए था, अपना भी उसे ध्यान नहीं लड़की पे मरता था। देखती थी लड़की वो लड़का को गौर से, कहीं जागती झरोखों से कहीं खुले तौर से। शिवम से जवाब दिया, जितना आप हमें चाहते हैं उससे ज्यादा हम आपसे प्रेम करने लगे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना करना आप हमें धोखा दे देना। अगर धोखा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी शिवम। शिवम ने जवाब दिया, कैसी बात करती हो नंदिनी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। कहानी यही बढ़ती चली गई। नंदिनी बोली शिवम से, चला गया। अब उसके बाद में आगे कहानी क्या बनती है मेरे भाइयों, लड़की बोली मैं छोड़ू ना ही साथ को, सारी जिंदगी बस सौंप दी है जीवन की तुझको ही हर खुशी। अनजान वायदा हो गया दोनों का जब कड़ा, तो मन में मगन भारी प्रेमी कहता हुआ चला। बस धीरे धीरे और बढ़िया गए कहानी थी, लड़का भी तंदुरुस्त था लड़की जवान थी। नंदिनी और शिवम को तो गांव-गांव में चर्चा फैलने लगी। शिवम के घर वालों को पता चला कि हमारा लड़का किसी गैर लड़की के पास में जाता उससे मिलने के लिए, वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन नंदिनी ने शिवम को बुलाया, जवाब दिया आप हमारे यहां मंदिर के पास में आओ। दोनों लोग इकट्ठा हुए बात कर रहे थे, तब तक क्या हुआ एक दिन वो बैठे शिवम के वहां घर वाले
जाते हुए शिवम की माँ आ जाती है। माँ ने जवाब दिया, इस लड़की से तुम मिलते हो शिवम, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और तुम नहीं जानते लड़की कौन सी बिरादरी की है, और तुम ऊंचे खानदान के हो। भला बुरा कहने के बाद में नंदिनी को भटकाया, शिवम को लेकर के घर चली गई। शिवम की माँ ने शिवम को बहुत समझाया। शिवम की मां ने, शिवम इस नंदिनी को भूल जाओ, अरे लड़कियां दगा दे करके चली जाएंगी। शिवम ने जवाब दिया, मां सुन करके मां की बात, शिवम का जवाब था, मर जाऊंगा पर नंदिनी को दूंगा ना दगा। है प्यार करना जुर्म तो हमने की है खता, मंजूर है हमें मिले जो प्यार में सजा। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, अगर प्यार करना गुनाह है मां तो मैंने गुनाह किया है। आप हमें सजा दो, प्यार में जो सजा मिलेगी वो हमें मंजूर है। कहानी यही आगे बढ़ती चली गई। शिवम ने जवाब दिया, मैं नंदिनी को नहीं भूल पाऊंगा। भाइयों कुछ वक्त कट गया, गुजर भी रात कुछ गई, शिवम को बोला जवाब दिए, शिवम गांव वालों को पता चल गया है हम बदनाम हो गए तुम्हारे पीछे शिवम, इसलिए हम ये सारी जिंदगी तुम्हारे साथ में गुजारना चाहते हैं। आप ऐसा करो, हम और तुम मिलकर के कोर्ट में चल के कोर्ट मैरिज कर लें। दोनों तैयार हो गए, फिर दोनों ने किया वही जो उनका सपना था, दोनों ने कोर्ट में दिया कबूल नामा था। फिर चोरी से रात में दोनों निकल गए, फिर दूर जाके शहर में जाके वे रुक गए। बाहर प्रेम, प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। दोनों ने कोर्ट मैरिज की, रात में ही निकल गए कहीं दूर शहर में, किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाई। इतना गांव में सब लोगों को जब पता चला है, उस नंदिनी शिवम ने काम ऐसा किया है, कोई गालियां तो कोई बाह बाह कर रहे, ये देख के शिवम के माई बाप कुछ रहे। गांव की बातें सुनना ना पड़े, रात में ही जाकर के पता लगा लिया हमारा लड़का कहाँ है। शिवम के माँ बाप ने शिवम को ला करके घर किया। नंदिनी अपने घर चली गई, बहुत समझाया, जवाब दिए, देखो बेटा अभी तुम्हारी नई उम्र है, तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन आगे तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो मेरे लाल, उस लड़की को भूल जाओ। बोले हैं बेटा देख मेरी बात मान जा, मत करे
चल गया बेचारी नंदिनी से उसका मन था भर गया। अब क्या था रात भर में उसका मन बदल गया बेचारी नंदिनी से उसका मन था भर गया। फिर रात में किया है फोन बोला दोगला कहीं और कर ले ब्याह नंदिनी तू भूल जा। माता पिता की बातें से लड़का बदल गया। गौर करना जरा प्यार करने वाले बहन और भाइयों, तुम अपनी उम्र में नई उम्र में ध्यान नहीं देते तो हमारे माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन यार वफादार हो तो प्यार प्यार हुआ करता है। देखो शिवम बदल गया, रात को ही फोन किया नंदिनी से, जवाब दिया नंदिनी तुम हमें भूल जाओ माफ करना मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता। नंदिनी ने जवाब दिया शिवम इसी के लिए तुमने हमें बदनाम कर दिया। सुनकर शिवम की बात नंदिनी रोने लगी फिर आह भर के प्रेमी से प्रेमिका ने कही तेरे लिए हर ओर में बदनाम हो गई माता पिता को भूल तेरे साथ भग गई। सभी को देख जाऊंगी जवाब दिया नंदिनी ने शिवम तो हमें भूलने की बात कर रहे हो, मैं रात में आत्महत्या करके मर जाऊंगी, कोर्ट वाले कागज मीडिया पर शेयर करके गली गली में पहुंच जाएंगी, फिर क्या होगा शिवम तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अब देखिए वो गद्दार शिवम ने क्या किया भाइयों। समझ गया शिवम न बात ऐसे बनेगी बोला है नंदिनी तेरी हर बात बनेगी कल रात आना पास में मंदिर की भैंसी कल रात आना पास में मंदिर की सीढ़ियां कर लेंगे हम विवाह लेके साथ फेरिया। मंदिर के पास में चली आना हम वहां सबसे छुप करके साथ फेरा ले लेंगे पंडित जी से मिल करके हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नंदिनी बेचारी नंदिनी ने नहीं जाना कि शिवम मेरे साथ में क्या करेगा। शिवम ने जवाब दिया नंदिनी कल मंदिर में आना सुबह जब तीखा हुआ उस बेवफा शिवम ने जाने सा था रचा। इत बीत गई रात सुबह जब भी हुआ है उस बेवफा शिवम ने जाने सा रचा है कुछ गुंडों पे शिवम ने फोन पहले कर दिया मंदिर में रात आने का उन सब से कह दिया। शिवम ने पहले से गुंडों को बुला लिया। शाम हुआ नंदिनी जैसे पहुंची सोचने लगी मैं अपने प्रेमी से मिलूंगी लेकिन नहीं पता था प्रेमी हमारे साथ में क्या करेगा। जैसे ही नंदिनी आई शिवम
उसके साथ में जो गुंडे गए थे उन्होंने पकड़ लिया। अकेली नंदिनी, चार पांच लड़के थे उधर, आज नंदिनी के साथ में दरिंदगी की गैंग रेप करने के बाद में छोड़ दिया। हत्यारा वो शिवम कमी न देखता रखा, उस अपनी ही प्रेमिका की लाज लूटता रखा। मजबूर थी बेचारी नंदिनी भी क्या करे, कईयों के सामने किसी की पेश ना चले। शिवम ने उसको धमकी दे दी, घर ये जो बात तुमने कही और खोल दी, तो बंद में करूंगा कल ही तेरी बोलती। ईमान बर्बाद करके रख दिया अपनी प्रेमिका का, ऊपर से धमकी दी, अगर तुमने बात कहीं खोल दी तो समझ लेना मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। नंदिनी बेचारी नंदिनी बड़ी मजबूर हो गई, उस बेवफा शिवम ने बड़ी दूर हो गई, सहना सकी वो सदमा अपने आप खो गई, झूठे शिवम के प्यार में पागल सी हो गई। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी नंदिनी, आज बार बार घटना याद करके वो पागल सी हो गई, अंत में पागलों की तरह घूमने लगी, अपने शरीर का ख्याल नहीं रहा उसे, पागल हो गई शिवम के प्यार में। अब क्या हुआ था जहां बैठे तो बस बैठी ही रहे, बेचारी का ईमान चला गया। नंदिनी जहां बैठी बैठी ही रहती है, घर वाले बड़े परेशान हैं क्योंकि किसी ने जान नहीं पाया हमारी बेटी के साथ में क्या हुआ। अब क्या था जहां बैठे तो बस बैठी ही रहे, हंसना कभी ना जाए, हंसना कभी आ जाए, कभी रोती ही रहे, पर राज की वो बात कोई जान ना सका, सरकारी अस्पताल से इलाज हो रखा। पागल हो गई, माता पिता अपनी बेटी का इलाज करा रहे हैं, होने लगी दवाई कई माह कड़ी गए, घर वाले नंदिनी के बेचारे थे थकी गए, पर धीरे धीरे नंदिनी की नाथ ने सुनी, भगवान की दया से वो अब ठीक हो गई। भगवान की दया से नंदिनी ठीक हो गई, पूरी कहानी याद आ गई हमारे जीवन में, आग कैसे लगी। लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं शिवम को दुनिया वालों को बताने के बाद मैं फंसाना नहीं चाहूंगी। देखिए कितना प्यार है नंदिनी के दिल में, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद में भी नंदिनी ने शिवम को क्षमा कर दिया। लेकिन इधर नालायक शिवम ने जैसे सुना कि नंदिनी ठीक हो गई, मन ही मन में सोचने लगा। इतना जानी जब शिवम ने नंदिनी संभल गई, अपनी ही जिंदगी की उसको अब फिकर हुई, कई ध्यान कई हाल नंदिनी।
उस कमीने शिवम ने सोचा, नंदनी ठीक हो गई, अगर उसने कहीं वो मंदिर वाली बात बता दी तो हम लोग तो जेल में चक्की पीसेंगे। इसलिए सोचने लगा क्या किया जाए, कैसे नंदनी को बहाने से बुलाया जाए, क्या किया जाए। उसके साथ में सोच रहा है क्या करें, या तो मैं ही एक आऊं और मोहल्ला छोड़ दूं, या हाथ जोड़ माफी नंदिनी से मांग लूं, कैसे करूं का कैसे उसको जान में कसूं, या फिर बुला के उसको जान से मैं मार दूं। इधर शिवम अपने यारों से मिलता जिसने उसके साथ नंदनी के साथ में गैंग रेप किया था। जवाब दिया, नंदनी ठीक हो गई, अगर उसने सारा मामला बता दिया तो हम सब लोग जेल के अंदर होंगे। इसलिए यारों ने जवाब दिया, तो देर क्यों करते हो शिवम, तुम फोन करो नंदनी पे और उसको अपने जाल में फंसाओ, दोबारा फिर बुलाओ, अब की बार में उसे जान से ही मार दिया जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखिए वो भी प्रेमी हुई है सदा वृक्ष सुरंगा जैसे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहे लेकिन एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दिया। और आज के प्रेमी जरा गौर करें क्या किया शिवम ने, फिर जैसे तैसे उसने बात नंदिनी से की, उस रात जो हुआ था उसकी माफी मांग ली, बोला वो नंदिनी मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन अभी भी करता मैं तुझी से प्यार हूं, हम चाहते हैं दोनों कहीं दूर शहर में चल कर के रात रात में रहेंगे प्रेम से, फिर बाद में घर वाले सबके मान जाएंगे, 2 साल बाद आके गांव में ही रहेंगे। उस गद्दार शिवम ने बात की है, अपने जाल में फंसा लिए, जवाब दिया, नंदिनी तुम ठीक हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस रात की बात में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप हमें क्षमा करें, हम ये चाहते हैं, मैंने अभी तक अपनी शादी नहीं की है नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, इसलिए हम तुम कहीं दूर शहर में चले चले, क्या कल रात तुम हमें मिल सकती हो नंदिनी, अगर तुम मिलोगी तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे क्षमा कर दिया, अगर नहीं आई तो मैं यही जानूंगा कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। नंदिनी भी मन ही मन में सोचने लगी, मेरा जीवन तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, एक बार अगर मेरा प्रेमी ही मुझे अपना रहा है तो इसके साथ में जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। नंदिनी ने नहीं जाना था कि मेरी जिंदगी की आखिर होने वाली है। जैसे चली पिता ने जवाब दिया, बेटी कहाँ जा रही हो, नंदिनी ने झूठ बोला, जवाब दिया मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, सुबह तक कहाँ जाऊंगी नहीं पता था। उस गली में जैसे पहुंची, अंधेरा था वहां पर, इधर वहीं के शिवम और उसके जितने साथी थे वो गद्दार वहां पर खड़े हुए थे, क्या किया, बस पकड़ लिया नंदिनी को बांध झट लिया, फिर डाल करके तेल आग देह पर दिया,
पास के कुछ लोग आ गए। प्रेमिका ने अपनी बात निभाई, लेकिन प्रेमी ने दावा दे दिया। पेट्रोल डाल करके जैसे नंदिनी को जला दिया, नंदिनी जलने लगी, सारे कपड़े चिपक गए उसके शरीर से। तब तले कुछ गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए, जैसे चीख पुकार सुनी। फिर पल में ही उसकी नजर शिवम पे है पड़ी, जल रही है नंदिनी सामने देखा। फिर पल में ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी, फिर देखती ही रह गई वो उसको एक टकी। वो और कोई ना था, उसका प्रेमी खड़ा था, हे हाथ पैर कांपते कुछ डर भी भरा था। जैसे नंदिनी ने देखा सामने एक इंसान खड़ा हुआ है, थोड़ी लाइट लगी, चेहरा पहचान लिया, जवाब दिया, शिवम तुम? अरे तुम कैसे प्रेमी हो? प्यार करने वालों के सर पर तुमने कलंक का धब्बा लगा दिया। कोई प्रेमिका से अपने प्रेमी को प्यार नहीं करेगी। शिवम, एक बार तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि आज तुमने हमारी जीवन की अंतिम सांसें ले ली। जाओ शिवम, तुम जिंदा रहो, मैं तो जा रही हूं। ए वचन कहने के बाद में तब तक धीरे धीरे वहां क्या हुआ, तुम्हारे शरीर में आग कैसे लगी? नंदिनी ने एक नजर शिवम की ओर देखा, सोचा परमात्मा मेरी जिंदगी की तो आखिरी सांसें हैं, लेकिन मैंने इससे सच्चा प्यार किया है, मैं इसका जीवन नहीं बर्बाद करना चाहूंगी। पुलिस वाले बोले, बोलो बेटी क्या हुआ? नंदिनी ने सांप अपने प्रेमी को बचा लिया, जवाब दिया, साहब हम यहां से गुजर रही थी, अचानक बिजली का तार गिर गया जिससे आग लग गई और मेरा शरीर जल गया। जैसे शिवम ने देखा पछताने लगा, और नंदिनी के माता पिता आ गए। पिता ने जवाब दिया, बेटी मैंने तुझसे पूछा लेकिन तू नहीं मानी। नंदिनी ने अपने पिता को भी कुछ नहीं बताया। अंत में नंदिनी ने अपनी दम तोड़ दी। और इधर वो लड़का करने वाले भाइयों बहनों, कोई जान बूझ कर किसी से प्यार करो ना, हो जाए घर किसी से तो इनकार करो ना। यदि प्यार किया है तो फिर गद्दार बनो ना, थामा है हाथ प्रेमी को मजधार छोड़ो ना। कहानी प्रेम की बीमारी, बेवफा लड़का, जो हम दे रहे हैं राधे कैसेट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका जाना पहचाना नरेंद्र रंजन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से।